हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सारे भाई बहनों को प्रणाम नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। आप सारे भाई बहनों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, और क्या इन्फॉर्मेशन है वो अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? डिजी लॉकर, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस जो है वो आप पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना। इसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, और इसका देखिए टैगलाइन है कि योर डॉक्यूमेंट्स एनी वेयर एनी टाइम, ठीक है। इसका ये मतलब टैग लाइन ही है। तो अब रेलवे का जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए इसका इस्तेमाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। कैसे इंपॉर्टेंट हो गया है आपको समझाते हैं। देखिए, रेलवे ने एक सराहनीय कदम उठाया है। रेलवे मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए डिजी लॉकर का उपयोग करना शुरू किया है। यहां इसका संक्षिप्त विवरण है जो हम बता रहे हैं आपको। डिजी लॉकर का महत्व, जैसे डिजी लॉकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सारे जरूरी जो दस्तावेज हैं ऑनलाइन रख सकते हैं। इसमें भारत सरकार ने कानूनी मान्यता दी है, जिससे ये दस्तावेज असली कागजी दस्तावेजों के बराबर है। आदेश का उद्देश्य क्या है यहां पर? यह है कि रेलवे भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए डिजी लॉकर का उपयोग किया जाएगा। इससे कागजी काम कम और प्रक्रिया अधिक सुचारू हो जाएगी। जैसे फिजिकल चीज है, कुछ चेक करने वाला है, अब उसको थोड़ा देर लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, तो अगर ये चीज स्मूथली रहेगा तो क्या होगा कि अपना मतलब एप्लीकेशन के थ्रू वो अपना चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सभी भर्ती प्रक्रियाएं डिजी लॉकर के साथ ऑनलाइन होगी। मतलब यह हुआ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है, जिस भी चीज की उनको जानकारी चाहिए होती है, या आपका जो भी आईडी प्रूफ उनको चाहिए होता है, वो लगभग लगभग चीज आप इसमें दे देंगे, ठीक है। उसमें आप अपना डाउनलोड करके और अपलोड कर देंगे, या बोर्ड वगैरह सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है लॉग इन करने के बाद। वो आप जब अंदर घुसेंगे उसमें तो सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। नियुक्ति पत्र और यात्रा भत्ता डिजी लॉकर के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये एक ऑप्शन बन जाएगा उसमें। दस्तावेजों की जांच डिजी लॉकर के माध्यम से की जाएगी। मैंने जो पहले बताया, अगर दस्तावेज डिजी लॉकर में नहीं है, एक कंडीशन बोल दिया, तो भौतिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अब हम दो बच्चे गए, हम ए हैं कोई बी है, मेरा डिजी लॉकर में है तो वो स्मूथली चेक कर लेगा, मान लो हमको प्रोसेस करके आगे बढ़ा दिया। बी के पास नहीं है तो बी वाला का जो भौतिक रूप से जो फिजिकल फॉर्म में है, जो हार्ड कॉपी आप जिसको समझते हैं, फिर वो चेक करेंगे और फिर वो उसका आगे प्रोसेस होगा। तो ये चीज है, जो लेथन ज्यादा है, जो ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, आपको भी कैरी करना पड़ता है कि कहीं पानी में नहीं भींग जाए, कहीं चोरी नहीं हो जाए, कई तरह का चीज होता है, वो जो है क्या हो रहा है कि इससे दूर होता है। और ये मतलब आप आजकल देखते होंगे कि जो सरकार ने यह भी बोल दिया कि आप गाड़ी का भी पेपर इसमें रख रहे हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, फिजिकल फॉर्म में दिखाने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। आइए, मेडिकल चेकअप और परीक्षा डिजी लॉकर में जारी नियुक्ति पत्र के आधार पर हो जाएगी। अगर ट्रेनिंग जरूरी है तो ट्रेनिंग के पत्र भी डिजी लॉकर के माध्यम से जारी किए जाएंगे। एसएससी और ट्रेनिंग प्रदर्शन भी डिजी लॉकर में अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये जो है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। आप सारे बच्चे जो भी रेलवे का फॉर्म भरे हैं, डिजी लॉकर को डाउनलोड करके उसमें अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करके पासवर्ड याद रखना, और नहीं भी याद रहेगा तो शायद उसमें फॉरगॉट पासवर्ड हो जाता होगा, लेकिन फिर भी लिख के रख लीजिएगा। उसके अलावा उसमें आप जो आपके बोर्ड के सर्टिफिकेट्स हैं, या ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट्स हैं, या अन्य जो भी आपके यूआईडी वगैरह हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब आप वहां पर अपना आप देख लेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका फेच कर लेता है वो डेटा, है ना, वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। और जो चीज नहीं समझ में आएगा तो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन होता है, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। बाकी रेलवे की क्लासेस लगातार केजीएस रेलवे पर चलती है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। अब धड़ाधड़ जो है वैकेंसी इतना सारा आ गया है, एनटीपीसी अभी चर्चा में है, तो आप लोग तैयारी रखिए जारी, क्योंकि नौकरी लेना है सरकारी। अब की बार रेलवे पार, जय हिंद।